अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ़ यू, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। बेटा आज की क्लास में आप लोगों को मैंने मैथ्स का, क्योंकि कल पेपर है आपका, तो मैथ्स का पैटर्न बताना है किस तरह से आपने सॉल्व करना है, किस पैटर्न पे पेपर आएगा, क्योंकि पैटर्न इस साल चेंज हुआ है और स्पेशली सेक्शन बी को लेकर काफ़ी स्टूडेंट कन्फ्यूज है कि सेक्शन बी को किस तरह से हमने करना है। तो मैं अभी वो डिटेल में आपको बताऊँगी आपके किस सेक्शन के कितने मार्क्स हैं, किस तरह से आपने पेपर के कौन सा टॉपिक किस तरह से आएगा। और उसके अलावा ये कुछ एक्सरसाइजेज हैं, अब तक तो आपकी एक्सरसाइजेज की प्रैक्टिस हो चुकी होगी, लेकिन ये एक्सरसाइजेज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और उनके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो मैं भी बताऊंगी आपको, कि आप एक दफ़ा अगर उन क्वेश्चंस को देख लें तो काफ़ी अच्छा आपका पेपर हो सकता है, इंशाल्लाह काफ़ी अच्छा पेपर होगा। और अगर उन क्वेश्चंस को एक नज़र देख लें, एक दफ़ा उनकी प्रैक्टिस कर लें, तो 100 out of 100 मार्क्स इंशाल्लाह आपके पेपर में आएंगे बेटा। और पेपर इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, सिंपल सा है, इजी सा है, अगर सिर्फ इन कुछ चीज़ों को अगर आप देख लें तो। ठीक है, तो पैटर्न की तरफ आते हैं बेटा। फर्स्ट हमारा जो पेपर किस पैटर्न से आएगा, किस टॉपिक के या किस सेक्शन के कितने मार्क्स हैं और किस सेक्शन में से हमने कितने टॉपिक कितने क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, हम पहले उस पर डिस्कशन कर लेते हैं। फर्स्ट सेक्शन हमारा एमसीक्यूज़ है, एज़ यूजुअल हर पेपर में इसी तरह से होता है, आपको पता ही होगा। इसमें आपके पास मैथ्स में क्या होगा बेटा, 25 एमसीक्यूज़ गिवन होंगे। एक एमसीक्यूज़ के आपके 2 मार्क्स होगा, ठीक है, एक एमसीक्यूज़ 2 मार्क्स का होगा। 25 एमसीक्यूज़ का मतलब हुआ कि आपके 50 मार्क्स का जस्ट एमसीक्यूज़ आपके 50 मार्क्स के आएंगे। ठीक है, 100 मार्क्स का आपका पेपर है जिसमें से 50 मार्क्स सिर्फ आपके एमसीक्यूज़ में ही हो जाएंगे। तो बेटा एमसीक्यूज़ को थोड़ा ध्यान से देख कर कीजिएगा कि 50 मार्क्स सिर्फ आपके एमसीक्यूज़ में हो रहे हैं। इसके बाद आपका सेक्शन बी आएगा। ठीक, 6 क्वेश्चंस आर गिवन, 1 क्वेश्चन इक्वल्स टू 2 पार्ट्स। आपके पास 6 क्वेश्चन गिवन होंगे सेक्शन बी में और एक क्वेश्चन में 2 पार्ट्स होंगे। अब किस तरह होंगे बेटा, मैं बना के बता देती हूँ। सेक्शन आपके पास होगा, सेक्शन बी में आपके पास होगा क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट होगा क्वेश्चन 2, आपके पास 2 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, 2 पार्ट्स में। फिर क्वेश्चन 3, इसमें भी आपके पास 2 पार्ट्स होंगे, 2 क्वेश्चंस गिवन होंगे। क्वेश्चन 4, आपके पास 2 अगेन पार्ट्स होंगे, 2 क्वेश्चंस गिवन होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में भी यही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7, इस तरह 6 क्वेश्चन गिवन होंगे। एक क्वेश्चन में 2 पार्ट्स होंगे, एक क्वेश्चन में 2 पार्ट्स होंगे। आपको करना क्या है, इन दोनों में से कोई एक करना है, ना हर क्वेश्चन का एक पार्ट आपने करना है। ठीक है, ये 6 क्वेश्चन हैं, 6 के 6 करने हैं, लेकिन क्या करना है, हर पार्ट में से हर क्वेश्चन में से एक पार्ट करना है। आपको क्वेश्चन 2 में 2 क्वेश्चन गिवन होंगे, आपको इनमें से जो भी क्वेश्चन ज़्यादा अच्छे से आता होगा एक करना है आपने। ठीक है, 2 करेंगे तो फ़ायदा नहीं है, दूसरे के नंबर नहीं मिलेंगे। फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आना, नेक्स्ट इन 2 क्वेश्चंस में से जो क्वेश्चन आपको अच्छे से आते हैं आपने वो क्वेश्चन करना है। फिर क्वेश्चन 4 पे आ गए, क्वेश्चन 4 में 2 क्वेश्चन होंगे, दोनों में से कोई एक करना है। ठीक है, तो इसी तरह से बेटा सारे क्वेश्चन में से 2 पार्ट्स होंगे, 2 पार्ट्स में से कोई एक पार्ट करना है, हर क्वेश्चन का एक पार्ट करना है आपने। ठीक है, 6 क्वेश्चन है, 6 के 6 करने और हर क्वेश्चन में से एक पार्ट करना है। ठीक, एक पार्ट का आपके 5 मार्क्स होंगे, तो 6 क्वेश्चन करेंगे तो आपके 30 मार्क्स हो जाएंगे। ठीक है, अटेम्प्ट एनी 6 पार्ट बट सेलेक्टिंग 1 पार्ट। आपने क्या करना है, कोई 6 पार्ट करने हैं, मीन्स 6 ही क्वेश्चन गिवन है तो आपने 6 पार्ट करने, लेकिन क्या करना है, हर पार्ट में से एक पार्ट को सेलेक्ट करके करना है, हर क्वेश्चन का कोई एक पार्ट आपने करना है। ठीक है, और एक क्वेश्चन के बेटा 5 मार्क्स होंगे, आपने 6 क्वेश्चंस करने, मींस 30 मार्क्स का आपका सेक्शन बी हो जाएगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा, मेजॉरिटी सेक्शन बी में कंफ्यूज थी, एक बार फिर से बता देती हूँ। आपके पास 6 क्वेश्चन गिवन होंगे, एक क्वेश्चन में 2 पार्ट्स होंगे, ठीक है, हर क्वेश्चन में 2-2 इस तरह करके 2-2 पार्ट्स होंगे, और उन 2 में से कोई एक करना है, इन दोनों में से कोई एक, इन दोनों में से कोई एक, इनमें से कोई एक, इनमें से कोई एक, इनमें से कोई एक, हर पार्ट हर क्वेश्चन का एक पार्ट करेंगे। ठीक है, करने सारे पार्ट सारे क्वेश्चन हैं, लेकिन हर क्वेश्चन में से एक पार्ट करना है। ठीक है, अब हम आते हैं बेटा सेक्शन सी की तरफ। 4 क्वेश्चंस आर गिवन, सेक्शन सी में हमारे पास 4 क्वेश्चंस होंगे। अटेम्प्ट एनी 2 ऑफ देम, उनमें से कोई 2 क्वेश्चन आपने करने हैं। ठीक है, बट क्वेश्चन नंबर 8 इज कंपलसरी, उसमें से क्वेश्चन 8 कंपलसरी होगा, 4 क्वेश्चन में से क्वेश्चन नंबर 8 हमने करना ही करना होगा। रिमेनिंग जो 3 क्वेश्चन होंगे उनमें से कोई एक की च्वाइस होगी आपके पास। ठीक है, और एक क्वेश्चन आपके पास 10 मार्क्स का है बेटा। सेक्शन सी भी एक दफ़ा बता देती हूँ, आपके पास सेक्शन सी आएगा। ठीक है, सेक्शन सी के मैं आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट होंगे, क्वेश्चन 8, क्वेश्चन 9, क्वेश्चन 10, क्वेश्चन नंबर 11। सेक्शन सी में क्वेश्चन 8 आपका होता है बेटा थ्योरम। ठीक है, उसके बाद आपका है ज्योमेट्री,
सॉरी क्वेश्चन 9 में फैक्टराइजेशन का क्वेश्चन आता है, फैक्टराइजेशन। इसके बाद क्वेश्चन 10 में बेटा ज्योमेट्री सेक्शन से आता है एक क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर 11 दोबारा एक थ्योरम आता है। ठीक, अब आपके पास क्या है, 4 क्वेश्चंस आए, जिसमें से बेटा आपने क्वेश्चन नंबर 8, ये तो आपका कंपलसरी है, ये तो आपने करना ही करना है, ठीक है, ये आपने लाजमी करना है, क्वेश्चन नंबर 8 लाजमी करना है। क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 इनमें से आपके पास च्वाइस होती है, इन तीनों में से कोई एक क्वेश्चन की च्वाइस है, तीनों में से कोई एक करें। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। सेक्शन सी में आपके पास 4 क्वेश्चंस, जिसमें से क्वेश्चन 8 कंपलसरी है, क्वेश्चन 8 करना ही करना है आपने, और इन तीनों में से च्वाइस होगी कि तीनों में से कोई एक क्वेश्चन आप कर सकते हैं। आपके पास फैक्टराइजेशन का क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, ज्योमेट्री सेक्शन से आते हैं, और थ्योरम अगेन एक आता है, दो थ्योरम आएंगे तो एक अगेन थ्योरम आएगा। अब इसको मैं दोबारा से, अब अच्छा इसमें से करना क्या है बेटा, थ्योरम नंबर आपका मैंने यहाँ थ्योरम लिखा हुआ है, थ्योरम नंबर 1, 2 एंड 5, ये तीन थ्योरम है आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम। ठीक है, आपको क्या होगा पेपर में, क्वेश्चन नंबर 8 में थ्योरम नंबर 1 और 2 में से 1 और 2 आएंगे, दोनों में से कोई एक आएगा लाजमी, थ्योरम नंबर क्वेश्चन नंबर 8 में थ्योरम 1 और 2 में से कोई एक आएगा, और थ्योरम क्वेश्चन नंबर 11 में थ्योरम नंबर 5 आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब कि ये तीन थ्योरम अगर आप अच्छे से कर लें, आपकी मर्ज़ी, आपको जैसे बेटर लगता है, लेकिन मैं ये सजेस्ट करूँगी कि बेटा इन तीन थ्योरम की अच्छी से प्रिपरेशन कर लें। इस क्वेश्चन 8 में दोनों में से कोई एक थ्योरम आएगा, क्वेश्चन नंबर 11 में थ्योरम नंबर 5 तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो तो आएगा ही आएगा, तो इन तीनों में से कोई दो थ्योरम लाजमी आएंगे। आपने क्या करना है, क्वेश्चन 8 और क्वेश्चन 11 कर लेंगे अगर, सिर्फ थ्योरम की अच्छे से प्रिपरेशन कर लें, अच्छे से प्रैक्टिस कर लें, तो आपका सेक्शन सी बहुत अच्छा हो सकता है। ज्योमेट्री सेक्शन को आप छोड़ दीजिएगा, फैक्टराइजेशन में आपके पास काफ़ी लेंथी टॉपिक होता है फैक्टराइजेशन, अगर आपकी फैक्टराइजेशन की तैयारी अच्छी है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको डाउट है किसी भी टॉपिक पे फैक्टराइजेशन की, किसी भी एक्सरसाइज में थोड़ा सा डाउट आपको है कि आपकी उसकी तैयारी अच्छी नहीं है या आपके नंबर माइनस हो सकते हैं, तो आप कोशिश करें थ्योरम कर लें, दो थ्योरम। ठीक है, थ्योरम में जिस तरह से डायग्राम ड्रॉ होता है और जिस तरह से बुक में आपका लिखा हुआ है एज इट इज़ वैसे ही कीजिएगा। अगेन एक चीज़ सुने बेटा कि उसमें कोई भी स्टेप मिस मत कीजिएगा, फिर आपके नंबर्स उस तरह से नहीं मिलेंगे, कोई एक भी स्टेप मिस मत कीजिएगा। ठीक है, डायग्राम जिस तरह प्रॉपर तरीके से बना, बुक में जिस तरह से हुआ हुआ है थ्योरम उसी तरह से, तो इन तीनों थ्योरम की प्रिपरेशन कर लें, और ये सिर्फ थ्योरम ही कर लीजिएगा आप, तो आपका सेक्शन सी कंप्लीट हो जाएगा, आपको फैक्टराइजेशन भी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर फैक्टराइजेशन चाहिए तो मैंने फैक्टराइजेशन पर वीडियोस बनाई हुई हैं, आप जाकर उसको देख सकते हैं, बट ज़्यादा बेटर ये है कि आप सिर्फ थ्योरम कर लें। इन तीनों, तीन थ्योरम है, तीन में से दो तो लाजमी आएंगे, तो आप इन तीनों की तैयारी कर लें, कोई भी दो आपके पेपर में आ जाएंगे। ठीक है, अब चलते हैं बेटा हम अपनी मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेस की तरफ। एक्सरसाइज नंबर 1.2 आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें से बेटा आपने कौन सा क्वेश्चन करना है वो मैं बता देती हूँ। अब आप अपने पास नोट डाउन करते जाएं जिन क्वेश्चंस को कि मैं मार्क करवा रही हूँ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके। ठीक है, एक्सरसाइज 1.2 में से आपका क्वेश्चन नंबर 17, 18, 19 और 20, ठीक है, ये 4 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। एक्सरसाइज 2.7 में से भी बता देती हूँ बेटा मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इन सारी एक्सरसाइजेस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रही हूँ, सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को देख लीजिएगा, बाकी क्वेश्चंस को छोड़ दीजिएगा। 2.7 में है क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड 12, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इसके अलावा बेटा इस क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.7 में से एक एमसीक्यूज आता है, एमसीक्यूज के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन 14 जो आपका है वो एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एमसीक्यूज के लिए क्वेश्चन 14 इंपॉर्टेंट, बाकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाद आपकी आती है बेटा एक्सरसाइज 2.8 में आपके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन 2 to question 8, सब एक ही मेथड से, सेम मेथड से ही हो रहे हैं, हल्का सा सिर्फ चेंज है, तो क्वेश्चन 2 to 8 अगर आप दो कुछ क्वेश्चंस की भी तैयारी कर लें तो हो जाएंगे पूरे, सबका एक ही मेथड है। तो एक्सरसाइज 2.8 में से क्वेश्चन 2 to 8 आपने करने, ठीक है, बाकी जो क्वेश्चंस हैं आप उनको छोड़ दीजिएगा, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर आप आ जाएँ एक्सरसाइज 3.6 की तरफ, तो एक्सरसाइज 3.6 में आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 2, 7 एंड 10, इन तीन क्वेश्चन की ही सिर्फ तैयारी कर लीजिएगा लॉग में से, तो इनमें से कोई एक क्वेश्चन लाजमी आएगा इंशाल्लाह। तो एक क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.6 में से क्वेश्चन नंबर 2, 7 और क्वेश्चन नंबर 10 की कर लीजिएगा प्रैक्टिस। उसके बाद आपका आता है
एक्सरसाइज 4.4। तो बेटा एक्सरसाइज 4.4 में आप कर लें क्वेश्चन नंबर, इन क्वेश्चंस को अपने पास नोट डाउन कर लें और फिर एक बार इन क्वेश्चंस को देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 एंड 12। ठीक है, इस 4.4 से एक क्वेश्चन आ सकता है, तो इन फोर क्वेश्चंस में से हो सकता है कोई एक क्वेश्चन आपका आ जाए। 4.4 में ये फोर क्वेश्चंस हैं, इन जस्ट इन ही फोर क्वेश्चन की एक दफ़ा प्रैक्टिस कर लीजिएगा या इनको एक बार देख लीजिएगा। फिर आपकी आती है बेटा एक्सरसाइज 4.7। एक्सरसाइज 4.7 में आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं क्वेश्चन नंबर 2, 4 एंड 5। ठीक है, ये तीन क्वेश्चन हैं 4.7 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अच्छा, इस इनकी अच्छे से तैयारी कर लेनी है। फिर हम आते हैं बेटा नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ, 4.8 की तरफ। तो हमारी 4.8 एक्सरसाइज में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4.8 में क्वेश्चन नंबर 1 को तो आप छोड़ दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर टू टू सेवन। ठीक है, क्वेश्चन 2 to 7 बेटा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये सब के सब सेम ही, एक ही मेथड है, सेम मेथड है 2 to 7 का। इसमें क्या 2, 2, 3, 4 ये एक मेथड के हैं, 5, 6, 7 एक मेथड के हैं। ठीक है, दो मेथड में सॉल्व हो रहे हैं क्वेश्चन, तो आप एक काम करें, आप इसमें से कर लें क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 6, इन तीन क्वेश्चंस को कर लें तो भी आपका हो जाएगा पेपर अच्छा। क्वेश्चन 2, 3 एंड 6 सिर्फ इन तीन क्वेश्चंस को देख लीजिएगा एक दफ़ा। इसके बाद क्वेश्चन 4, एक्सरसाइज 4.9 पे आ जाते हैं बेटा। एक्सरसाइज 4.9 इसमें आपका है क्वेश्चन 2, एक्सरसाइज 4.9 में क्वेश्चन 1 को छोड़ दीजिएगा। क्वेश्चन 2 का जो पार्ट 2 है, क्वेश्चन 2 का पार्ट 2, 3 और 4, क्वेश्चन 2 का पार्ट 2, 3, 4, इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, ये इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन एक्सरसाइज 4.9 में से। जस्ट इन ही क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिएगा, बाकी क्वेश्चंस में बेटा अपना टाइम वेस्ट मत कीजिएगा, इन में से ही पेपर में इंशाल्लाह आएंगे। अच्छा, इसके अलावा ये जो आपकी एक्सरसाइज है 5, 5.2, 5.3, 5.4, ठीक है, ये जो एक्सरसाइज है ये आपकी लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग क्वेश्चन में फैक्टराइजेशन का जो आपका आ रहा है सेकंड क्वेश्चन नंबर 9, वो आपका इन एक्सरसाइजेस में से आता है, तो इसको एक दफ़ा देख लीजिएगा। मगर अगर आपकी अच्छी तैयारी है तो आप इनको देखिएगा, वरना आप थ्योरम हो को ही कर लें तो ज़्यादा बेहतर है, थ्योरम कर लीजिएगा, ये स्किप कर दीजिएगा। ठीक है, अगर आपकी फैक्टराइजेशन की अच्छी प्रिपरेशन हो चुकी है तो फिर आप फैक्टराइजेशन में इन एक्सरसाइजेस को देख लीजिएगा, वरना आप थ्योरम की तरफ जाइएगा। ठीक है, इसके बाद बेटा एक्सरसाइज 6.3, 6.4, 6.8, इनमें से भी हो सकता है तीनों में से कोई एक एक क्वेश्चन आए, तीनों एक्सरसाइजेस से आए। अगर तीनों में से नहीं भी आया तो बेटा दो एक्सरसाइज से दो क्वेश्चन तो लाजमी आएंगे, या फिर दो या एक क्वेश्चन तो लाजमी इनमें से आएगा, तो इन तीनों एक्सरसाइज को देख लीजिएगा। ठीक है, सेक्शन बी के लिए ये इंपॉर्टेंट है, इनमें से दो क्वेश्चन या एक क्वेश्चन तो लाजमी आएगा, हो सकता है तीनों एक्सरसाइज में से आ जाए क्वेश्चन, हो सकता है किसी दो एक्सरसाइज से क्वेश्चन आ जाए, तो इनको अच्छे से देख लीजिएगा। इसके बाद हम आते हैं बेटा 7.4 की तरफ। तो हमारी एक्सरसाइज 7.4 अच्छा 7.4 में आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, ठीक है 7.4 बेटा जो आपका है इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 के जो पार्ट्स हैं उन सबको देख लीजिएगा, लेकिन फिर भी उन सब पार्ट्स में मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है क्वेश्चन 5 के पार्ट में, पार्ट ए है, पार्ट ए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो पार्ट ए की अच्छी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, पार्ट ए के चांसेस हैं इस दफ़ा आने के, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो एक बार इसको देख लीजिएगा 7.4 में क्वेश्चन 5 का पार्ट ए। वैसे तो सारे पार्ट्स इम्पॉर्टेंट है लेकिन पार्ट ए जो है उसके ज़्यादा चांसेस हैं। इसके बाद बेटा आपकी हैं एक्सरसाइज 7.5। एक्सरसाइज 7.5 में से आपके एक्सरसाइज 7.5 में बेटा आपके पास दो रूल्स आते हैं, मैट्रिसेस और क्रैमर्स रूल हैं। इस साल क्रैमर्स रूल के चांसेस हैं, क्रैमर्स रूल का एक क्वेश्चन लाजमी आएगा। ठीक है, क्रैमर्स रूल का एक क्वेश्चन तो लाजमी आएगा। ठीक है,
क्रेमर सूल को कर लीजिएगा, मैट्रिसेस को छोड़ दीजिएगा, क्रेमर सूल मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए, तो इसका एक क्वेश्चन लाजमी आएगा। क्रेमर सूल पर भी मेरे मुझे काफ़ी स्टूडेंट ने कहा था वीडियो बनाने का, तो बेटा सॉरी मैं थोड़ा लेट हो गई, लेकिन नेक्स्ट वीडियो मेरी क्रेमर सूल पर ही होगी। अगर मैं थोड़ा लेट हो गई तो मैट्रिक के लिए सॉरी, लेकिन नाइन्थ के स्टूडेंट फिर क्रेमर सूल को उसमें से देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में क्रेमर सूल करवाऊंगी, क्रेमर सूल का एक क्वेश्चन लाजमी आएगा और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है बेटा आपकी। इसके बाद आपकी एक्सरसाइज 8.1, 8.1 में क्वेश्चन नंबर 4 को आप देख लें, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1, 2 एंड 3, पार्ट 1, 2 एंड 3 ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके, ठीक है। क्वेश्चन 8.1 का क्वेश्चन 4 का पार्ट 1, 2 और पार्ट 3, ये तीन क्वेश्चन जो हैं इनको देख लीजिएगा अच्छे से। और फिर इसके बाद आपकी है 5.13, तो 5.13 एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है, आप इसको पूरे को देख लीजिएगा 5.13 को। और इसके अलावा बेटा एक एक्सरसाइज में भूल गई थी, 5.14 मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, 5.14 जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इसका भी एक क्वेश्चन लाजमी आएगा और मेरी इससे पहले वाली वीडियो 5.14 पर ही थी। 5.14 का जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा वो है 9 to 14, क्वेश्चन 9 to 14 जो है वो इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 9 to 14, ठीक है। क्वेश्चन 9 to 14 5.14 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्पेशली क्वेश्चन 9, 10, 11 जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप 14 तक पूरे को देखिएगा, 9 to 14 कंप्लीट देखिएगा। अगर आप इनकी तैयारी कर लेते हैं बेटा इन क्वेश्चंस की, देखिए आपके पास कितने क्वेश्चंस आते हैं पेपर में, 1, 2, 3, 4, 5, देखिए हर सेक्शन से दो क्वेश्चन आ रहे हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 12 क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके पास सेक्शन बी में, ठीक है। और सेक्शन बी के लिए जो हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज हैं वो कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, दो एक्सरसाइज एक्स्ट्रा हैं। अच्छा 14 एक्सरसाइजेज मैंने करवाई हैं, ठीक है आपकी, और आपके क्वेश्चन कितने आते हैं 12, सिर्फ दो एक्स्ट्रा एक्सरसाइजेस करवाई हैं। अगर हर एक्सरसाइज के एक क्वेश्चन भी पेपर में आया, ठीक है, हर एक्सरसाइज से एक क्वेश्चन भी पेपर में आया, तो सिर्फ दो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होंगे जिनकी आपने प्रैक्टिस की होगी, ठीक है। तो इसका मतलब अगर आप इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं, अगेन बेटा कह रही हूँ कि 14 मैंने एक्सरसाइजेस करवाई हैं जिनमें से 12 क्वेश्चन तो आपके पेपर में आएंगे ही आएंगे, और सिर्फ दो एक्सरसाइजेस हम एक्स्ट्रा कर रहे हैं, बाकी सारी वो एक्सरसाइजेस हैं जिनके पेपर में क्वेश्चन लाजमी आएंगे, तो इन क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसके बाद थ्योरम है लॉन्ग के लिए जो इंपॉर्टेंट है, थ्योरम नंबर 1, 2 और 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है, दो थ्योरम तो लाजमी पेपर में आएंगे, नंबर 5 तो इंशाल्लाह आएगा ही आएगा, इसके अलावा नंबर 1 और 2 में से कोई एक आएगा आपका, ठीक है। तो इन तीनों की प्रैक्टिस कर लें, अगर इन तीन थ्योरम की प्रैक्टिस कर ली तो सेक्शन सी भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद चैप्टर नंबर 12 है आपका, चैप्टर नंबर 12 के पेज नंबर 292, 299 और 307 इसकी कर लीजिएगा। अगर आप इसकी नहीं भी करते तो बेटा मैं अगेन कह रही हूँ, सेक्शन बी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेस थी, उनकी मैंने आपको मार्क करवाए, क्वेश्चंस भी बताए, क्वेश्चंस भी सिर्फ गिनती के हैं, कुछ ही क्वेश्चंस हैं, अगर उनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लें पेपर आपका बेटा 100 out of 100 इंशाल्लाह 100 out of 100 आ सकते हैं आपके, आएंगे अगर इन क्वेश्चंस को अच्छे से देख लें, ठीक है। प्रैक्टिस तो आपकी हो चुकी होगी, तैयारी आपकी अच्छी हो चुकी होगी अब तक, जस्ट एक बार इन क्वेश्चंस को एक नज़र देख लें ताकि कल जब आप जाएँ पेपर में तो कन्फ्यूज़ ना हो, और पैटर्न भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, आई होप कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। सेक्शन बी में जो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन थी वो भी क्लियर हो गई होगी कि हर क्वेश्चन का एक पार्ट आपने करना है, और 6 क्वेश्चन के एक एक पार्ट करेंगे तो 6 क्वेश्चन आपके बन जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन 8 लाजमी आपने करना है, ये कंपलसरी है। क्वेश्चन 9, 10, 11 में से एक क्वेश्चन की चॉइस होगी आपको, अगर फैक्टराइजेशन अच्छे से प्रैक्टिस की है तो फैक्टराइजेशन कर लीजिएगा, वरना क्वेश्चन नंबर 11 में थ्योरम एक और आएगा, अगेन उसको कर लीजिएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा बेटा, सारी चीज़ें सही से समझ आ गई होंगी, और कल का पेपर अच्छे से करके आएंगे, पूरा करके आइएगा, छोड़ कर मत आइएगा, और कंफ्यूज मत होइएगा, सारी चीज़ें जो कि आपकी आपको डिफ़िकल्ट लगती हैं या लग रही होंगी वो सारी चीज़ें मैंने डिटेल में समझा दी हैं, तो कंफ्यूज मत होइएगा। 2 घंटे का पेपर है, आराम से पेपर कीजिएगा, आराम से हो जाएगा, जो टॉपिक्स हैं आपके आराम से इजीली 2 घंटे में कवर हो जाएंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है, मैट्रिक क्लास के साथ मेरा साथ आज तक ही रहेगा, आगे भी रहेगा इंशाल्लाह, कोशिश करूँगी। कुछ स्टूडेंट्स ने मुझसे कहा है कि मिस इसी तरह कंटिन्यू आप अपनी वीडियोस को रखें, फर्स्ट ईयर की वीडियोस भी बनाएं कुछ टॉपिक्स पर, तो मैं ट्राई करूँगी कि फर्स्ट ईयर के टॉपिक्स पर भी वीडियोस बनाऊँ, लेकिन अभी नहीं, कुछ टाइम के बाद थोड़ा गैप होगा, फिर उसके बाद हम उसको कंटिन्यू करेंगे। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, पेपर अच्छे से करके आइएगा, बेस्ट ऑफ लक एंड अल्लाह हाफिज़।